यदि सुधीर खरे के पापा जी आप हैं और आप कंटिन्यूस यहाँ पर हैं, अपने बेटे को देख रहे हैं, देखिए मानसिक रूप से बहुत परेशान है, ये आपके छोटे भाई से भी बहुत परेशान है, क्योंकि वो इस मकान को 80-90 लाख में बेचना चाहते हैं, जो कि सुधीर के बस में बात नहीं है, वो इतना नहीं कर पाएगा। 30-35 लाख तो घर द्वार बेच के कुछ कर सकता है। यदि यदि आप चाहते हैं कि सुधीर की सहायता हो जाए, आपके छोटे भाई मान जाए, 30-35 लाख तक पूरा मामला फिट हो जाए, तो आप जो है इनको आशीर्वाद दीजिए। और जो है क्या कहते हैं, आप अपनी मुक्ति के बारे में बताइए, तो पहले आपकी मुक्ति कराएंगे, फिर जो है इस घर को शुद्ध करा के आप अपने छोटे भाई के मन में डाल दीजिएगा, तो करेंगे। आप वो मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं तो एक बार फिर से लाइट जला दीजिएगा, दूसरी लाइट। यदि प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हैं, सुधीर करने को राजी है, तो आप दूसरी लाइट जलाइए। हाँ, दूसरी लाइट, देखिए आपका बेटा कह रहा है कि हम करेंगे, तो दूसरी लाइट जलाइए। उपस्थिति तो आपको दिख रही है, लेकिन दूसरी, हाँ दूसरी लाइट जलाइए। हाँ करेंगे आप, बस हाँ आप जिस तरह चाहेंगे वो ऐसे करेंगे, आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। जूता उतार आइए। देखिए कन्हैया लाल जी, मैं सुधीर को बहुत सालों से जानता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी पूजा पाठ मैं करा चुका हूँ, और मैं कोई भी ढोंग नहीं करता हूँ। मैं इन इंस्ट्रूमेंट को, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ये अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये तुरंत बता देता है कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप क्या चाह रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और भी आप यदि कुछ बार, यदि यहाँ पर सुधीर के मम्मी पापा के अलावा भी कोई ऐसी आत्माएँ हैं जो कि मुक्ति के लिए वो हैं, तो एक और लाइट जला दीजिएगा, जिससे पता चले कि हाँ वो भी मुक्ति चाहती है। मैं सबका एक साथ उद्धार कर दूँगा, ठीक वो है, वो भी आप सब आ जाइए लाइट और जला के, हम सबकी। देखिए हम लोग आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, हम जानते हैं करेंगे, हाँ कि आप बहुत दूर से आए हैं हम लोगों के ऊपर, सुधीर को आशीर्वाद देने के लिए, श्याम जी को आशीर्वाद देने और मेरे लिए आशीर्वाद देने के लिए, तो आप जो है क्या करते हैं वो करिए, आशीर्वाद दीजिए। और मैं ये चाहूँगा कि एक बार आप मोशन सेंसर के पास भी आ जाइए, जिससे ये आपकी उपस्थिति को अच्छी तरह से बता सके। ये देखिए मोशन सेंसर है, आप बताइए, हाँ उसके पास भी जो कर दीजिए, जिससे पता चल जाए कि हाँ ये भी है, ठीक है ना। आप यदि दूर करना चाहते हैं तो लीजिए, मैंने यहाँ रख दिया, अब आप आ सकते हैं आराम से। तो ये तो मैंने यहाँ पर देखा स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, अब मैं संपूर्ण घर में आपका ब्यौरा देखने जा रहा हूँ, है ना। जिस भी जगह पर जो कुछ भी आपको, जितने भी प्रेत आत्माएं आपके साथ हैं, चाहे भयानक हो, अति भयंकर हो, आप बहुत भयंकर हो, जो कि क्या कहते हैं सुधीर को दिलो दिमाग से परेशान कर रही है हर हालत में, नौकरी से लेकर सब जगह, तो आप जो है हमको सभी लाइट जला के बता दीजिएगा, तो मैं पता चल जाएगा कि यहाँ पर अति भयंकर भी है, आप लोगों के सिवा भी। आप लोगों का तो उद्धार कर दूंगा, साथ में उन लोगों का भी कर दूंगा, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, गारंटी है। अब आप यदि आशीर्वाद दें तो मैं और जगह भी देख लूँ जरा सा जाके, मुझको भी घर जाना है, और मैं आपको ज़्यादा देर रोक भी नहीं सकता। क्या मैं और भी जगह देखने जाऊं? यदि हाँ तो फिर से वो पीली वाली लाइट जलाइए। क्या मैं फिर से पूरे घर में मुआयना करूं और भी देखने जाऊं? यदि हाँ तो पीली लाइट जलाइए, क्योंकि मैं पूरे घर में जो हूँ देख के, मैं ये देखना चाहता हूँ कितने प्रेत आत्माएं हैं। और यदि आपके साथ अति भयंकर कोई है, पिशाच वगैरह कोई है, तो आप सब जलाइएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि उनसे कैसे निपटा जाएगा, ठीक है ना। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन उद्धार कर दूँगा, इसलिए सबका उद्धार करने की कोशिश करेंगे। एक बार और लाइट जलाइए पीली वाली, जिससे मैं ये निवेदन करता हूँ कि मैं दूसरी जगह भी देखना चाहता हूँ, समय हो रहा है,
तो इसलिए जो है आप एक बार पीली लाइट जलाइए जिससे पता चल जाए। हाँ सुधीर, तुम्हारे पापा तो बहुत बात कर रहे हैं हमसे, है ना। मैं अब नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके देखूँगा, फिर आपको आके यहाँ पर करूँगा, फिर मैं आपको विदा करूँगा, है ना। और आप मेरे साथ यदि नीचे चलना चाहते हैं तो चलिए, है ना। पूरे घर को देख लीजिए कि आपके देहांत के बाद इस घर का क्या हाल हुआ है। सुधीर की पत्नी चली गई, सुधीर की नौकरी भी खतरे में पड़ गई थी, लेकिन आपने संभाल लिया। सुधीर मानसिक रूप से इस मकान को लेना चाहता है, सुधीर का बेटा बीमार है, सुधीर अपने बेटे के लिए कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। तो आप जो है बहुत ही भले मानस देख रहे हैं कि इतनी दूर से, मैं ये नहीं जानता हूँ कि प्रेतलोक कितने हज़ार किलोमीटर ऊपर रहते हैं, मैं ये भी नहीं जानता हूँ। वहाँ तो कोई वायुयान भी नहीं आता कि आप जो है हवाई जहाज में बैठ के आए हों, आप सिर्फ मन की शक्ति से आ रहे हैं। तो अब मैं दूसरी जगह देखने जा रहा हूँ, कृपा करके आप मेरे साथ दूसरी जगह भी चलिए, वहाँ भी दिखाइए। अति भयंकर कोई भी है तो उसको भी आप बुला के लाइएगा, जिससे वो भी जो है मैं उनका भी उद्धार करूँ, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा किसी तरह से, ना मैं अन्य तांत्रिकों जैसे आपको बांधूंगा या बोतलों में बंद करूँगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ना मैं करूँगा, ना सुधीर ही चाहेंगे उनके माता पिता को किसी बोतल में बंद करके रखें, है ना। वो सिर्फ आपको सीधे बैकुंठ धाम भेजना चाहते हैं, भगवान विष्णु भगवान के चरणों में। आप यदि चाहते हैं हाँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं अब नीचे जा रहा हूँ, तो नीचे चल के देखिए।